आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, जहां थिएटर्स वाले अब इस फिल्म को लगाने को तैयार नहीं क्योंकि शोज कैंसिल हो रहे हैं, कोई इस फिल्म को देखने नहीं आ रहा है। वहीं अब आमिर खान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, इस फिल्म को ओटीटी पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पहले तो आमिर खान ने खुद ने एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को 6 महीने बाद ओटीटी पर लाने की बात कही, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सभी फिल्में रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ओटीटी पर आ जाती है, वहीं आमिर खान ने अलग ही डील की। उन्होंने इस फिल्म को 6 महीने बाद ओटीटी पर लाने का ऐलान किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देगी और बहुत पैसा कमा लेगी। और तो और आमिर खान अपनी लाल सिंह चड्ढा को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने फिल्म के रिलीज से पहले किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ फिल्म की डील नहीं की थी क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी तो ओटीटी वालों से भी वो अच्छी रकम वसूल पाएंगे। लेकिन ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 9 दिनों में इस फिल्म ने 51 करोड़ का ही बिजनेस किया। ऐसे में आमिर खान जो फिल्म के रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स से बात कर रहे थे और 150 करोड़ उन्होंने नेटफ्लिक्स को कोट किए थे, उसी नेटफ्लिक्स ने अब इस फिल्म के लिए आमिर खान से करार तोड़ दिया है। नेटफ्लिक्स इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स दर दर भटक रहे हैं अपनी फिल्म को कोड़ियों के भाव में बेचने के लिए, लेकिन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इस फिल्म को महंगे दामों में या जो मेकर्स रेट ऑफर कर रहे हैं उसमें खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको पता है फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ रहा नहीं, ये तो डिजास्टर फिल्म है। आमिर खान के ओवर कॉन्फिडेंस ने सिर्फ नेटफ्लिक्स से उन्हें 150 करोड़ का नुकसान ही नहीं करवाया बल्कि चाइना टेरिटरी में इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला था और नेटफ्लिक्स ही इस फिल्म को रिलीज कर रहा था और उसके लिए भी नेटफ्लिक्स ने आमिर खान को 90 करोड़ ऑफर किया था, बट आमिर खान ने वहां के लिए 125 करोड़ मांगे थे। ये डील भी नहीं हो पाई और अब नेटफ्लिक्स से आमिर खान का पूरा जो डील था वो ही कैंसिल हो चुका है। अब मेकर्स नए ओटीटी प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जो ठीक ठाक रेट में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दे।